ये है जी मुश्ताक का भट्टा। चाचा जी कितने बना लेते हो एक दिन में ईंट? है 1000 बना रहे हैं। 1000? अच्छा सही सही। आपका 1000 का हिसाब होता है? जी 1000 का हिसाब। अच्छा। कितने अरसे से कर रहे काम? नहीं मैं इतना सारा हम काम कर रहे हैं। अच्छा छोटे से थे शुरू से ये कर रहे हैं? सही सही। वालेकुम सलाम। तो 1000 पे क्या हिसाब होता है इस पे? 1000 का हिसाब है जी 800 रुपये। 1000 पे 800 रुपये। अच्छा अच्छा। तो अंदाज कितना टाइम लग जाता है आपको? शाम में ठीक है जी। अच्छा पूरा दिन यानी लग जाता है? 10 घंटे तकरीबन? 10-12 घंटे। 10-12 घंटे लग जाते हैं। अच्छा ये थपेर वाला काम नहीं जाते घोड़ी ला के दे। अच्छा बनावे कौन? सही सही सही। शाम ठीक है जी सवेरे दी है उधर का काम है। अच्छा तो ये कितने दिन में सूख जाती हैं? ये हमर तो सियाला है जी। हमर तो 15-20 दिन। सर्दियों में 10-15 दिन लग जाते हैं? गर्मी होनी है ना। जी जी जी। चौथी दीवारी बच्ची जवान रहती है। अच्छा सही सही। गर्मियों में 4 दिन लगते हैं, सर्दियों में 10-12 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। जबरदस्त। दिन और रात बड़ी खड़ी होनी। हाँ, ये तो है बिल्कुल। खराब बढ़ गया। हाँ बिल्कुल ये भी, लेकिन दोपहर तक है अक्सर। शाम को फिर वही हो जाता है, बादल हो जाता है। सही सही। ये मट्टी कौन सी कहलाती है ये जी? मट्टी क्या नाम है इस मट्टी का? आम चिकनी मट्टी होती है या? नहीं नहीं ये आम मिट्टी है। सादी? सही सही सही। ये इसका फरमा होता है जी, ये देखें जी, ये जो हमें निशान बना हुआ नजर आ रहा होता है ये इसके ऊपर ऐसे होता है जी। इसके अंदर इस मिट्टी को डाल लेते हैं और ऊपर से फरमा इसके ऊपर रख देते हैं तो उससे वो ईंट का निशान बन जाता है। और फिर उसके बाद जो है ये हटा के इसके अंदर से इसको ऊपर वापस निकाल लेते हैं तो ये ईंट बन जाती है। तो बता रहे हैं कि सर्दियों के अंदर 10 से 15 दिन सूखने में लग जाते हैं। 1000 ईंट जो है वो एक साहिब बना लेते हैं। बता रहे थे कि मैं छोटा सा था जब मैंने ये काम शुरू किया था और 1000 ईंट पर 800 रुपये इनको मिलते हैं। इसी तरह जो है फिर उसके बाद ईंट बनाने के बाद इस तरह इनको चट्टे भी लगा कर देने पड़ते हैं मुकम्मल। तो तकरीबन इनको 10 से 12 घंटे इस काम पे लग जाते हैं। लेकिन खूबसूरत अंदाज में लगाई हुई हैं, ये बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम होता है। ये हमारा भट्टा है, मुश्ताक का भट्टा, ये मशहूर है यहाँ का। और इनकी ईंट बहुत ज़्यादा चलती है, कई कई महीने पहले जो है ऑर्डर देना पड़ता है ईंट का, फिर भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। ये खंदक सी खुंदी हुई होती है, इसके अंदर बड़ी तरतीब के साथ ईंटों को रखते हैं जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और फिर उनके अंदर आग लगाई जाती है। ये देखें छोटे छोटे से इसके अंदर मोर्चे टाइप से बने हुए होते हैं। मैंने अभी आप एक साहिब दिखाया आपको, वैसे ही हर तरफ यहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं। और बड़ा मेहनत और मशक्कत का काम है। वो देखिए अंदर ईंटें किस तरह तरतीब से लगी हुई हैं। और यहाँ एक कुत्ता साहब भी आराम फरमा रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पर सारी ईंटें होती हैं, फिर वो आग जली रहती है मुस्तकिल।
ईंटें हटाते रहते हैं और साथ साथ लगाते रहते हैं। ये देखें, ये सारा ईंटों को लगाने का प्रोसीजर हो रहा है। मैंने आपको पहले दिखाया ना जी, वहाँ पर वो ईंटें बन रही थी और यहाँ पर ये सेट कर रहे हैं। लगाते रहें आप, वहाँ से ये गधा गाड़ी के ऊपर ईंटें लाई जाती हैं और यहाँ पर ये बड़ी तरतीब के साथ सेट की जाती हैं। इनके दरमियान में ये खला रखा जाता है। और इस खला के अंदर जो है वो ऊपर से ईंधन डालकर आग लगाई जाती है, जो ऊपर भट्टे में से हमें जिसका धुआं निकलता हुआ नजर आता है। ये धुआं इस जगह से जाता है अंदर जी। ये अच्छा अच्छा, ये खींच के फिर वो ऊपर से निकल जाता है वहां से। यहां से ये जितना हर कुछ उसके ऊपर ये मोर्चे से बने हुए हैं, मोर्चे टाइप से छोटे छोटे से, इसके अंदर से ये खींच कर जो है इस सब का लिंक वो ऊपर उस तक होता है और वहाँ से फिर इसका धुआं निकल रहा होता है। ये ईंट लगाने के बाद इसके ऊपर जो है इसको बंद कर दिया जाता है मिट्टी डालकर। ये मशहूर भट्टा है मुश्ताक का पिपलान में, और बड़ी मजबूत इनकी ईंट होती है। वो वहां पे मैंने आपको दिखाया था ना कि ईंटें तरतीब से लग रही थी, ये देखें सारा रास्ता बीच में ऐसे है और यहाँ पर ये पक चुकी हैं। वो आग आगे जाती रहती है, मैं भी आपको आग भी दिखाता हूँ। अब ये पक चुकी हैं यहाँ पर, तो इनको लोड किया जा रहा है यहीं से, और इसके बाद ये या तो यहीं रखी जाती हैं, स्टॉक हो जाती हैं, या फिर वहाँ आगे चली जाती हैं मकाम पर। अमल हो रहा है उसका, यहाँ पर आग लगी हुई है। ये देखिए, ये इसके अंदर भूस डाल दिया इन्होंने, इसको बंद कर दिया। ये भूस डाल दिया, ये बंद कर दिया। इन्होंने ये जूते पहने हुए होते हैं, ये लकड़ी के बने हुए होते हैं नीचे से, जो आम चप्पल होंगे दूसरे प्लास्टिक वगैरह के तो वो जल जाते हैं, इतनी तेज यहाँ पर गर्माइश होती है। मैं भी कुछ दूर खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आम भट्टों के ऊपर तकरीबन ये जगह भरी हुई होती हैं। यहाँ पर इनका बस थोड़ा सा ये एरिया है, क्योंकि बस ये आगे से निकलती जाती हैं और पीछे वो लगाते जाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम इनके पास जो है वो वक्त मिलता है। जैसे ही इनका माल तैयार होता है तो फौरन वो ख़रीदा जा चुका होता है, बल्कि उससे पहले ही ख़रीदा जा चुका होता है। वो भी हाँ।